नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइसेप्स बनाने की एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं। जो आज हम लोग यहां पर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने वाले हैं, उनको करने के लिए हमें एक ऐसे वेट की आवश्यकता पड़ेगी जिसे आप आसानी से कैरी कर सको, जिसे आप आसानी से उठा सको और आपके लिए वो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में ना ही कोई जिम इक्विपमेंट है, ना ही उनके पास कोई डंबल वगैरह है जिससे कि वो अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा वेट लेकर के आया हूं जो बहुत ही आसान है, जिसको कैरी करना, उठाना, और ये हर घर में अवेलेबल हो जाएगा बड़ी ही आसानी से, खास तौर से उन लोगों के यहाँ जो विलेज से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, तो बिना देरी करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वेट क्या है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये वो वेट है। जी हाँ, जिन लोगों को पता होगा कि ये क्या है वो लोग समझ गए होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि आखिर ये क्या है, कौन सा वेट है, तो मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारी है गेहूं पीसने वाली चक्की। जी हाँ दोस्तों, ये जो चक्की होती है, ये पुराने जमाने में इसमें गेहूं पीसा जाता था और उससे आटा निकलता था। तो ये उसी कि ये चक्की है, जैसा देख सकते हैं इसमें दो भाग होते हैं। एक ये मैंने ये जो भाग ले रखा है, ये ऊपर का भाग है। इसके जो नीचे वाला जो होता है वो इससे और ज़्यादा भारी होता है। अगर आप अपनी बाइसेप्स को और ज़्यादा तगड़ा बनाना चाहते हो तो आप उससे भी वर्कआउट कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट, यानी कि जो उसका ऊपर वाला पार्ट है, वो लिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस इससे आपको किस प्रकार से ये एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज होगी, उसको करने के लिए आपको एक रॉड ले लेनी है। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ये लकड़ी की ठोस रॉड ली है। अगर आपके पास लकड़ी की रॉड है तो आप लकड़ी की रॉड ले लें, या इसके अलावा आप लोहे की रॉड भी ले सकते हैं, और आप इससे बड़ी भी रॉड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है जरा सा आप देख लें। जो जैसा देख सकते हैं इस चक्की के बीच में ये जो छेद है, इसमें आपको क्या करना है, इस डंडे को कुछ इस प्रकार से फंसा लेना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इसमें इसे फंसा लेना। अब आपको किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है वो आप देखें। तो कुछ इस प्रकार से इसे आप पहले नीचे ले लें। ठीक है, आपके हाथ जो होंगे वो थोड़ा सा आगे की ओर ही रहेंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। इस प्रकार से आपको इसे ऊपर लाना है, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। जी हाँ, इसी प्रकार से आपको लाना है ऊपर, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब एक्सरसाइज है ये अपने बाइसेप्स को बनाने के लिए। जी हाँ, देख सकते हैं, तो जिस प्रकार से ऊपर लाएं, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। अब आप इधर से भी देख लें, जैसे मैंने आपको बताया इसे ऊपर लेकर के आए, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है अपने बाइसेप्स बनाने की। ठीक है, इसमें आपको जो सेट लेने हैं वो चार सेट ले लेने हैं, और रेपिटेशंस इसमें आप 15 से 20 रेपिटेशंस आपको इसमें निकालनी है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको कुछ इस प्रकार से इस वेट को पकड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको इसे नीचे ले जा करके ऊपर लाना है, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। फिर से ऊपर लाना है इसको, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ऊपर लाएंगे, एक सेकंड का होल्ड एंड देन रिलीज। इसके भी आपको चार सेट ले लेने हैं और 12 से 15 रिपीटेशंस आपको इसमें निकालनी है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको एक टॉवल ले लेनी है। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ये टॉवल ले ली है। इस टॉवल को आपको इस होल से पास करा देना है। इसके बाद अब आपको कुछ इस प्रकार से इसे पकड़ लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसे पकड़ना है। ठीक, इसके बाद अब आपको एक्सरसाइज किस प्रकार से करनी, देखिएगा, इसे आप डाउन कर दें, फिर
ऊपर लेकर के आएं, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज, फिर से ऊपर लेकर के आएं, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये अपने बाइसेप्स को बनाने के लिए। इसके भी आपको 4 सेट लेने हैं और 10 से 12 रेपिटेशंस आपको इसमें निकालने हैं जी। चौथी एक्सरसाइज में आपको एक टॉवल ले लेनी है और उस टॉवल को इस होल से पास करा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब आपको कुछ इस प्रकार से इसे पकड़ लेना है, ठीक है। बराबर आपको इसे पकड़ना है जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप इसको डाउन कर दें, ठीक है, और इस प्रकार से ऊपर ले करेंगे, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। इसी प्रकार से आप इसको ऊपर लेकर के, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, एक सेकंड का होल्ड देन रिलीज। इसी तरह से आपको इसके भी 4 सेट ले लेने हैं, 12 से 15 रिपीटेशंस आपको इसमें निकालनी है।